आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3, लेट अस नो सम फॉर्मूलाज। ओके, सो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ये फॉर्मूलेज मेमोराइज कर लें। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने में ये फॉर्मूले बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, सो पहला हमारा क्या है, निगेटिव एंगल के लिए, देन 90 माइनस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट करें। ओके, देन सम एंड डिफरेंसेस के लिए, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, टैन एक्स प्लस वाई टैन एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई एंड कॉट एक्स माइनस वाई। ओके, देन डबल एंगल के लिए, ओके साइन 2x है कॉस 2x के लिए, टैन 2x के लिए। ओके, देन ट्रिपल एंगल के लिए, साइन 3x कॉस 3x एंड टैन 3x। ओके, आफ्टर दैट दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 है। आपको पता है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सो आई विल सॉल्व ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो आई विल डिस्कस क्वेश्चन थर्ड, देन फिफ्थ का सेकंड पार्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन 7, देन क्वेश्चन 9, देन 12 एंड देन 15 एंड देन 19 एंड देन 21 एंड देन 22 23 24 एंड 25। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन 3 हियर। हमें क्या प्रूव करना है कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई ओवर 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। ओके, सो लेट अस सॉल्व LHS। ओके, LHS हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई ओवर 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6। ओके, कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है इट इज़ रूट 3, सो रूट 3 स्क्वायर प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं 1 ओवर साइन 5 पाई बाय 6। ओके, एंड 5 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस पाई ओवर 3। ओके, नाउ प्लस 3 टेन पाई बाय 6, और टेन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें क्या पता है, इट इज़ 1 ओवर रूट 3 एंड स्क्वायर। ओके, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, नाउ सिंपली सॉल्विंग, रूट 3 स्क्वायर इज 3 प्लस अप्लाइंग फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ओके, प्लस 3 इंटू 1 ओवर रूट 3 का स्क्वायर 1 ओवर 3 3 कैन बी कैंसिल। ओके, नाउ सिंप्लीफाइंग। ओके, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कहते हैं 1, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1 ओवर 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 वैल्यू 0 इंटू साइन पाई बाय 3 वैल्यू रूट 3 बाय 2 प्लस 1। ओके, सो इट इज 3 प्लस 1 ओवर 1 बाय 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1 ओवर 1 बाय 2 दिस इज इक्वल टू 1 2 प्लस 1 एंड नॉट एडिंग वी गेट 6। ओके, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में टैन 15 की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, सो लेट्स फाइंड। ओके, हमें फाइंड करना है टैन 15 डिग्री। ओके, तो हमें पता है टैन 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। ओके, नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला टैन एक्स माइनस वाई। ओके, सो वी नो दैट टैन एक्स माइनस टैन वाई ओवर 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। ओके, टैन 45 इज 1 एंड टैन 30 इज 1 ओवर रूट 3 ओवर 1 प्लस टैन 45 इज 1 एंड टैन 30 इज 1 ओवर रूट 3। ओके, ऑन सॉल्विंग वी गेट रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव टैन पाई ओवर 4 प्लस एक्स ओवर टैन पाई माइनस पाई ओवर 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू
वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस एक्स होल स्क्वायर. ओके सो लेट अस प्रूव दिस टेकिंग एलएचएस. एलएचएस में क्या है, टेन पाई ओवर फोर प्लस एक्स ओवर टेन पाई ओवर फोर माइनस एक्स. ओके ऑन सिंपली अप्लाइंग फॉर्मूला टेन ए प्लस बी. टेन ए प्लस बी वॉट, टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी. ओके ओवर सॉल्विंग दिस टेन पावर फोर माइनस टेन एक्स अप्लाइंग फॉर्मूला टेन एक्स माइनस वाई. ओके सो टेन एक्स माइनस टेन वाई ओवर वन प्लस टेन एक्स टेन वाई. ओके नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेन पावर फोर. टेन पावर फोर की वैल्यू क्या थी, वन. सो इट विल बी वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन पावर फोर इज वन. सो वन इंटू टेन एक्स टेन एक्स. ओके नाउ सॉल्विंग दिस टेन पावर फोर इज वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स. ओके सो दिस इज ए ए ओवर बी एंड नाउ होल अपॉन सी ओवर डी. सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स. ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका इससे मल्टीप्लाई. ओके सो इट विल बी वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स. नाउ ये दोनों सेम है एंड ये दोनों सेम है. सो इट विल बी वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू आर एच एस, है ना. हेंस प्रूव्ड. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट एल एच एस इक्वल्स टू वन. ओके सो लेट सॉल्व राइटिंग एल एच एस. कॉस थ्री पाई ओवर टू प्लस एक्स इंटू कॉस टू पाई प्लस एक्स इंटू कॉट थ्री पाई ओवर टू माइनस एक्स प्लस कॉट टू पाई प्लस एक्स. ओके सो आई कैन राइट दिस दिस थ्री पाई ओवर टू एज टू पाई माइनस पाई बाई टू. ओके एंड देन प्लस एक्स इंटू कॉस. वी नो दैट कॉस टू एंड पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. हियर एन इज वन. सो दिस कॉस टू पाई एक्स विल बी कॉस एक्स. ओके एंड देन अगेन राइटिंग दिस कॉट थ्री पाई बाई टू कैन रिटन एज टू पाई माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अगेन अप्लाइंग फॉर्मूला कॉट टू पाई एक्स विल बी कॉट एक्स. ओके सो नाउ टेकिंग माइनस कॉमन इट विल बी कॉस टू पाई माइनस टेकिंग कॉमन माइनस सो इट विल बी पाई ओवर टू माइनस एक्स. ओके नाउ इंटू कॉस एक्स अगेन टेकिंग माइनस साइन हेयर इट विल बी टू पाई माइनस पाई बाय टू माइनस प्लस एक्स प्लस कॉट एक्स. ओके देन अगेन अप्लाइंग फॉर्मूला कॉस टू एंड पाई माइनस थीटा इट विल बी कॉस थीटा सो इट विल बी कॉस पाई ओवर टू माइनस एक्स. ओके एंड बिकॉज हेयर वी हैव माइनस, यहाँ माइनस साइन है इसलिए क्या होगा माइनस. ओके कॉस टू एंड पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और यहाँ थीटा क्या है माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स. ओके सो कॉस माइनस दिस इज थीटा. ओके कॉस एक्स अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला इट विल बी कॉट माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स. ओके प्लस कॉट एक्स. ओके वी नो दैट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा सो इट विल बी कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अगेन अप्लाइंग फॉर्मूला कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा सो इट विल बी कॉट थीटा इज पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉट एक्स. ओके एंड कॉस
पाई बाय टू माइनस एक्स, इट विल बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. नाउ राइटिंग दिस कॉट एक्स फर्स्ट, कॉट एक्स माइनस दिस, अप्लाइंग द फॉर्मूला कॉट ए एक्स प्लस वाई, ओके, और कॉट ए प्लस बी, वॉट एवर यू ना से. सो इट विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला, इट विल बी कॉट पाई बाय टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी कॉट वाई माइनस वन ओवर कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ओके. नाउ सिंप्लीफाइंग, ओके, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट पाई बाय टू इज जीरो, ओके, जीरो जीरो इंटू कॉट एक्स माइनस वन ओवर जीरो प्लस कॉट एक्स, ओके. सो वी हैव साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस शेड्यूल प्लस ओवर कॉट एक्स, ओके. नाउ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स एंड कॉट एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस एंड वन ओवर टेन एक्स विल बी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ओके. नाउ मल्टीप्लाइंग इन साइड द ब्रैकेट, इट विल बी साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स. मैं एक सिंपल ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ओके. सो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ओके. सो साइन एक्स कैन बी कैंसिल आउट, कॉस एक्स कैन बी कैंसिल आउट, वी गेट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इक्वल्स टू वन, हेंस दिस इक्वल्स टू आर जेस, हेंस प्रूव्ड, ओके. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स इंटू साइन टेन एक्स, ओके. ये हम आर जेस सॉल्व करेंगे. राइटिंग आर जेस साइन टू एक्स साइन टेन एक्स, ओके. हमें प्रूव क्या करना है, दिस थिंग इक्वल टू साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स. तो हम साइन टू एक्स क्या लिखेंगे, साइन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, और साइन टेन एक्स को सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स, ओके. नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला साइन एक्स माइनस माइनस वाई, ओके. सो इट विल बी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ओके. बिल्कुल वैसे ही इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन सिक्स एक्स कॉस फोर एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स साइन फोर एक्स, ओके. नाउ ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके. अप्लाइंग फॉर्मूला वी गेट साइन स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू कॉस स्क्वायर फोर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर फोर एक्स, ओके. और जो हमें प्रूव करना है, एल एच एस में हमारा खाली साइन है, यानी कॉस का कोई टर्म नहीं है, ओके. सो ये कॉस का जो टर्म है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो आई कैन राइट दिस एज इंटू वन माइनस आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ओके. फर्स्ट आइडेंटिटी आई कैन राइट दिस एज वन माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर फोर एक्स, ओके. अब सिंपल मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट खोल लेते हैं, वी गेट साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स साइन स्क्वायर फोर एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर फोर एक्स, ओके. दिस टर्म कैन बी कैंसिल आउट, वी गेट साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स, ओके. ये हमारा क्या है, एल एच एस, ओके. सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव, ओके. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, ओके. सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट एल एच एस.
का एलएचएस क्या है? कॉट 4x, कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। ओके, इसमें हम साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी गेट 2 साइन x प्लस y ओवर 2, सो 5x प्लस 3x ओवर 2 इंटू कॉस x माइनस y ओवर 2, सो इट विल बी 5x माइनस 3x ओवर 2। ओके, नाउ वी गेट 2 साइन 5x प्लस 3x, इट विल बी 8x, 8x ओवर 2 इट विल बी 4x। ओके, एंड सिमिलरली 5x माइनस 3x इट विल बी 2x, एंड 2x ओवर 2 इट विल बी x। ओके, नाउ वी हैव 2 एंड दिस cot x कैन बी रिटन एज, दिस cot x विल बी cos 4x ओवर साइन 4x। ओके, इंटू साइन 4x इंटू cos x। ओके, साइन 4x साइन 4x कैन बी कैंसल आउट, वी गेट 2 cos 4x इंटू cos x। ओके, नाउ सॉल्विंग RHS। ओके, RHS क्या है? cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x। ओके, cot x साइन x माइनस साइन y फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इट विल बी 2 cos x प्लस y, दैट मीन्स 5x प्लस 3x ओवर 2 इंटू साइन x माइनस y। ओके, सो इट विल बी 5x माइनस 3x ओवर 2। ओके, नाउ सिंप्लीफाइंग 2 cos 5x प्लस 3x इट विल बी 8x, 8x ओवर 2 इट विल बी 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x इट विल 2x, 2x ओवर 2 इट विल बी x। ओके, नाउ दिस cot x कैन बी रिटन एज cos x ओवर साइन, सिंपली राइटिंग 2 हम 2 यहाँ लिख देते हैं और बाकी टर्म्स लिखते हैं cos 4x इंटू साइन x, दिस साइन x कैन बी कैंसिल आउट, नाउ वी गेट 2 cos x cos 4x। ओके, और यही हमारा LHS भी है, आप देख सकते हैं दिस टू आर इक्वल। ओके, हेंस प्रूफ। नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें हम LHS सॉल्व करेंगे और हमें RHS ऑटोमेटिकली बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, सो लेट सॉल्व LHS। LHS में क्या है? साइन x प्लस साइन 3x ओवर cos x प्लस cos 3x। ओके, न्यूमरेटर में साइन x प्लस साइन y फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे cos x प्लस cos y फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, सो इट विल बी 2 साइन x प्लस y ओवर 2 इंटू cos x माइनस y ओवर 2। ओके, बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर में भी 2 cos x प्लस y ओवर 2 इंटू cos x माइनस y ओवर 2। ठीक है, अब देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, नौ n 2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारे पास sin x प्लस 3x ओवर 2 इट विल बी 2x एंड इट विल बी cos x प्लस 3x ओवर 2 इट विल बी अगेन 2x एंड नाउ वी नो दैट sin x प्लस ओवर cos x इट विल बी 10x, सो इट विल बी 10 2x। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू RHS। ओके, यू कैन सी RHS इज 10 2x। ओके, और नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बहुत ईजी है ना, इसमें LHS सॉल्व करेंगे और हमें बहुत ईजिली RHS मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व LHS। LHS में क्या है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x ओवर sin 4x sin 3x sin 2x। ओके,
तो हम जो देख रहे हैं आर्चेस हमारा कॉट 3x, यानी कि हमें 3x का टर्म चाहिए, ओके। दैट मीन्स हम इसे बिल्कुल अनटच रखेंगे, ओके, इससे हम बिल्कुल छुएंगे भी नहीं। और इसमें हम कॉस एक्स प्लस कॉस वाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। लेट्स अप्लाई फार्मूला, इट विल बी 2 कॉस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 4x प्लस 2x ओवर 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, दैट इज 4x माइनस 2x ओवर 2 प्लस कॉस 3x, ओके। और डिनोमिनेटर में भी साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, इट विल बी 2 साइन 4x प्लस 2x ओवर 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x ओवर 2 प्लस साइन 3x, ओके। नाउ सिंप्लीफाइंग, 2 कॉस 4x प्लस 2x ओवर 2, इट विल बी कॉस 3x एंड इट विल बी कॉस 4x माइनस 2x, इट विल बी 2x, 2x ओवर 2, इट विल बी x प्लस दिस कॉस 3x, ओके। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा, 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x, ओके। अब देख सकते हैं कॉस 3x कॉमन न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में कॉस साइन 3x, ओके। टेकिंग कॉमन वी हैव कॉस 3x इंटू 2 कॉस एक्स प्लस 1 ओवर साइन 3x 2 कॉस एक्स प्लस 1, ओके। ये हमारा कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। नाउ कॉस 3x ओवर साइन 3x, इट विल बी कॉट 3x, ओके। ये हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि सिंपली LHS सॉल्व करके हमें RHS नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव होगा, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में कॉट एक्स, कॉट 2x एंड कॉट 3x इन्वॉल्व है, ओके। सो हम क्या करेंगे, कॉट 3x इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 2x प्लस x, ओके। नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर कॉट x प्लस y, ओके। सो इट विल बी कॉट x कॉट y माइनस 1 ओवर कॉट 2x प्लस कॉट x, ओके। और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये आपका LHS में कॉट 3x, ओके। सिंपल से इधर मल्टीप्लाई कर देते लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट x इक्वल्स टू कॉट 2x कॉट x माइनस 1, ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग इन साइड द ब्रैकेट, इट विल बी कॉट 3x कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल्स टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, ओके। नाउ टेकिंग दिस माइनस 1 इंटू लेफ्ट हैंड साइड और बाकी ये सारे टर्म्स राइट हैंड साइड लेके आते, ओके। सो वी हैव कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल्स टू 1, ओके। और हमें यही प्रूफ करना था, ओके। आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन में हमें LHS में हमारा tan 4x है और राइट हैंड साइड में हमारे x के टर्म है, यानी कि कोई भी 2x 3x 4x ऐसा नहीं है, खाली x के टर्म है। दैट मीन्स हमें एंगल रिड्यूस करना है, ओके। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे LHS tan 4x, इसे हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, ओके। सो अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर tan 2x और x यहाँ पे क्या है, 2x है, ओके। सो इट विल बी 2 tan 2x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ओके। नाउ अगेन अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर tan 2x, इट विल बी 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस
वन माइनस टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ओके नाउ सॉल्विंग वी हैव फोर टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ओके नाउ सिंपली ऊपर वैसे के वैसे लिख देते हैं. नीचे एलसीएम ले लेते हैं. ओके सो इट विल बी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ओके सो आपका ये फैक्टर कैंसिल है कैसे. ओके ऊपर क्या होगा फोर टेन एक्स और ये जो नीचे आया ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स. ओके नाउ इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेते हैं. इट विल बी वन प्लस टेन रेज टू पावर फोर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स. ओके सो सिंप्लीफाई करते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और आपका नीचे क्या होगा वन माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स. इट विल बी माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन रेस्ट पावर फोर एक्स. यही आपका क्या है आर एच एस. ओके नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमारा जो एल एच एस है उसमें क्या बोले कॉस फोर एक्स है और आर एच एस में एक्स में है ना. कोई भी डबल एंगल है ट्रिपल एंगल है फोर्थ एंगल में नहीं है. दैट मीन्स हमें एंगल को रिड्यूस करना है. ओके सो बस सिंपली एल एच एस सॉल्व करते हैं. एल एच एस हमारा क्या है कॉस फोर एक्स. ओके सो हम इसे लिख सकते हैं कॉस टू इंटू टू एक्स. ओके अप्लाई करते हैं फॉर्मूला कॉस टू एक्स का और एक्स यहाँ पे क्या है एक्स ये टू एक्स है. सो इट विल बी वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स एंड एक्स की जगह है टू एक्स. ओके नाउ अगेन टू इस साइन स्क्वायर टू एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स स्क्वायर. ओके अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर साइन टू एक्स वी हैव टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ओके होल स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई कर देते हैं वन माइनस टू स्क्वायर करते हैं फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ओके सो वी हैव वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और हमें यही प्रूव करना है. ओके दिस इक्वल्स टू आर एच एस. ओके नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है. इसमें हमें एंगल क्या करना है रिड्यूस करना है. ओके सो लेट्स सॉल्व कॉस सिक्स एक्स. ओके इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू इंटू थ्री एक्स सिंपल. नाउ अप्लाई फॉर्मूला फॉर कॉस टू एक्स और यहाँ एक्स ये थ्री एक्स है. ओके सो वी हैव टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन. ओके अब इस कॉस स्क्वायर थ्री एक्स क्या लिख सकते हैं हम कॉस थ्री एक्स होल स्क्वायर माइनस वन. ओके नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर कॉस थ्री एक्स. ओके सो वी हैव फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन. ओके नाउ इसे हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेते हैं. सो सिंपल वी हैव ए स्क्वायर दैट मीन्स सिक्सटीन कॉस रेज टू पावर सिक्स एक्स प्लस नाइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर कॉस रेज टू पावर फोर एक्स माइनस वन. ओके अब सिंपली टू अंडर ब्रैकेट के अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके सो वी हैव थर्टी टू कॉस रेज टू पावर सिक्स एक्स प्लस एटीन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर्टी एट कॉस रेज टू पावर फोर एक्स माइनस वन और ये हमारा क्या है आर एच एस. ओके